लाखों लोग अभी कॉलेज में एंट्री लेने वाले हैं और काफी लोग ले भी चुके हैं और आज की वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में सबसे ज्यादा कमेंट्स कॉलेज लाइफ को लेकर थे और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें कॉलेज में हेल्प करेंगी और तुम्हारी कॉलेज लाइफ को बेटर बनाएंगी। बहुत बेसिक से पॉइंट्स रहेंगे जो हर कोई फॉलो कर लेगा। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कैसे बनाया जाता है। कॉलेज जाने से पहले जो एक बात तुमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि तुम कॉलेज सोशल हो रहे और अपने नेटवर्क को बढ़ाने जा रहे हो, जिससे तुम्हें अलग अलग चीजें और नई नई चीजों के बारे में पता चले। अब भले ही तुम स्कूल में अगर सोशल नहीं थे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुमको एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए कॉलेज में जाके हर एक इंसान से बात करनी है। इससे क्या होगा, एक तो तुमको बोलना आएगा, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा, तुम्हें नई चीजों के बारे में पता चलेगा, जिससे तुमको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हाँ, अगर तुम्हें इंटरनेट ट्रेंडिंग इंट्रोवर्ट अप्रोच रखनी है वो तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा। नंबर 2, ग्रुपिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें जैसे ही अपने जैसे लोग मिलते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसी को अपना नेटवर्क मान के उसी में सारी बातचीत करना, घूमना फिरना उठना बैठना सभी उस ग्रुप के लोगों के साथ ही करते रहते हैं और फिर उनको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। और अभी तो ये चीज़ तुमको कॉलेज में देखने को कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। अब हाँ, तुम्हारा भी एक ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तुम्हें उसी ग्रुप के लोगों के साथ सिमट के नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं और तुम्हारा ग्रुप 4 लोगों का है, अब ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उन 4 लोगों के बारे में पता है, बाकी 45 का तुम्हें अता पता ही नहीं है कि ये तुम्हारी क्लास के भी हैं या नहीं। सिंपल सी बात ये है कि आंटियों और बच्चों वाली आदत लगे कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 3, स्कूल किड। अब देखो, बहुत से लोग क्या करेंगे, वो जैसे स्कूल में है वही पर्सनैलिटी और आदतें लेकर कॉलेज चले जाएंगे और 3 से 4 साल बाद वैसे ही निकलेंगे जैसे वो 12th में थे। अब ऐसा बहुत बार ऐसे लोगों के साथ होता है जो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही कॉलेज चले जाते हैं। ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन भी ये डिपेंड करता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कॉलेज और स्कूल दो अलग अलग जगहें हैं। अब जब तुम कोई नई जगह जा ही रहे हो तो वहाँ पे एक फ्रेश मूड से जाओ। अब अगर तुम अपने स्कूल का रवैया लेकर ही कॉलेज पहुंच जाओगे तो वहाँ पे क्या सीखोगे, अगर एक फ्रेश मूड से जाओगे तो 3 से 4 साल बाद कुछ नया सीख के निकलोगे। मैंने तो बहुत बार ऐसे लोग भी देखे हैं जो जैसे स्कूल में थे 3 से 4 साल बाद कॉलेज से निकलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। अब कोई नई जगह तुम्हें कैसे चेंज कर देगी जब तुम खुद ही चेंज नहीं होना चाहते, इसलिए सबसे जरूरी बात तो यही रहेगी, अपने स्कूल का बच्चा स्कूल में ही छोड़ के जाओ और कॉलेज में एक फ्रेश पर्सनैलिटी और मूड से जाओ, जिससे वहां तुम कुछ नया सीखो। नंबर 4, टाइम पास। कॉलेज में जाके एक चीज जो बहुत से लोगों को फील होती है वो है आजादी। 12th में इतना पढ़ने के बाद अब फुल मौज, वीक्स पेपर देने के बाद भी तो 3 से 4 महीना मौज ही होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कॉलेज में मजे नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो तुम्हें घूमने जाना चाहिए, नई जगहें एक्सप्लोर करनी चाहिए, कुछ पार्टीज में भी जाना चाहिए जिससे तुम नए और काम के लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो। पर दिक्कत वहाँ है जहाँ पे तुम इनमें ओवर इंडल्ज हो जाते हो और चीज़ों को साइडलाइन करके यही करने लग जाते हो। कहने का मतलब यही है कि तुम्हें हर चीज़ एक बैलेंस से करनी चाहिए और एक क्लियर माइंड से करनी चाहिए, बाकी अब बैलेंस तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। नंबर 5, डाइवर्सिटी। अब कॉलेज में तुमको अलग अलग प्रजाति के लोग देखने को मिलेंगे। अब इनमें से तुम्हारे काम का कौन सा इंसान है और तुम्हें किसकी कंपनी चाहिए ये तो तुम्हें डिसाइड करोगे। अब हो सकता है तुम्हें हर समय क्लास बंक करने वालों की कंपनी अच्छी लगे, हो सकता है तुम्हें चर्चियों की कंपनी अच्छी लगे, हो सकता है तुम्हें ग्रोथ माइंडेड लोगों की कंपनी अच्छी लगे। अब कंपनी डिसाइड करना तो तुम्हारा ही काम होगा, इसमें तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हर कंपनी के कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो जरूर होंगे। पूरी वीडियो को समाप्त करें तो कम्युनिकेशन, अवॉइड ग्रुपिंग, स्कूल का बच्चा स्कूल में छोड़ दो, डाइवर्सिटी, कंपनी, तो ये थे वो 5 पॉइंट जिनसे तुम अपनी कॉलेज लाइफ को और बेटर बना सकते हो। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ, इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है कुछ और देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरफ भूल जाओगे। टिल देन, गुड लक।